हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट सोशल साइंस की हिंदी मीडियम की। 5 सितंबर 2020 है आज, और आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं वर्कशीट पे सीधे। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। सब लोग अपने टीचर्स को बहुत विश कीजिएगा, क्योंकि टीचर्स की वजह से आज हम यहाँ हैं। आई ऑल्सो थैंक माई ऑल टीचर्स। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। मौसम और जलवायु, दो चीज़ों के आज हम पढ़ने वाले हैं। मौसम और जलवायु, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ बेटा, मौसम और जलवायु क्या होता है। मौसम एक ऐसी चीज़ है जो अभी अगर बारिश होने लग जाए तो मौसम बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? मौसम बदल जाएगा, लेकिन जलवायु नहीं बदलेगी। आपको पता है अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने में भारत में मानसून आता है। जब आपको ये बात पता है कि भारत में मानसून की क्या है, जलवायु चल रही है, लेकिन मौसम, आज धूप है तो धूप का मौसम है, गर्मी लग रही है, बारिश हो रही है, क्लाउडी है, हवा चल रही है, ये सब चीज़ें होती हैं मौसम। और जब मौसम किसी भी सेकंड बदल सकता है, लेकिन जलवायु नहीं बदलती है। मौसम को बहुत सालों तक देखा गया, बहुत लंबे समय तक मौसम को, लगभग 30 से 35 साल तक देखा गया, और एक पैटर्न बनाया गया कि भाई जनवरी और दिसंबर के महीनों में पड़ेगी ठंड, जून जुलाई में पड़ेगी बहुत गर्मी, जुलाई अगस्त में होगी बारिश। तो इस तरीके से एक जलवायु, एक मौसम का पैटर्न बनाया गया, एक चार्ट बनाया गया कि इस महीने में ऐसा होगा। उस चार्ट को हम कहते हैं जलवायु, ठीक है बच्चे, उस सेट पैटर्न को हम कहते हैं जलवायु। चलिए पढ़ते हैं। आमतौर पर हम मौसम या जलवायु शब्द को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, आज हम देखेंगे। एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था अभी एक विशेष समय पर अभी किसी विश ये किसी जगह की एकदम अगर कोई कैसे जलवायु है उसको हम वहाँ का मौसम कहते हैं। और जलवायु किसे कहते हैं? किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। यह एक सीमित क्षेत्र की आंकलित किया जाता है। सीमित क्षेत्र छोटे से कि दिल्ली अभी यहाँ रजौरी गार्डन में बारिश हो रही है और सीपी में बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें क्षेत्र का आकार काफ़ी ज़्यादा होता है। भारत की बात होती है, जब जलवायु की बात होती है तो भारत की बात होती है, ठीक है बच्चे। यह पल प्रतिपल बदल जाता है, कभी भी बदल सकता है, लंबे समय तक एक जैसा रहता है। एक ही दिन में हमारे धूप आंधी बारिश हो सकती है। भारत की जलवायु अभी मानसूनी है, गर्मी है, सर्दी है, ऐसा कहा जाता है। मौसम और जलवायु को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? पहले तो चार तत्व, तापमान, वायुमंडल दबाव, पवन, आर्द्रता और वर्षण। ये पांच फैक्टर्स हैं जो किसी भी जलवायु और मौसम को तय करते हैं। तापमान कैसा है, वायुमंडलीय दाब कैसा है, वहाँ पर हवाएं कैसी हैं, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पानी की मात्रा जो है हवा में कितनी है, और वर्षण यानी कि यहाँ पर बारिश कितनी हुई है या हो रही है। चलिए, और किन चीज़ों पर प्रभावित, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर हैं, देखिए हम पढ़ते हैं। अक्षांश, अक्षांश से आप क्या समझते हैं बेटा? ये तुम्हारी धरती है, धरती है, यहाँ बीचों बीच एक लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है 0 डिग्री अक्षांश? यहाँ से यहाँ तक 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ये सारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला जो है यहाँ पर, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये जो रेड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ पर क्या होता है, शीतोष्ण है, ना यहाँ गर्मी है ना यहाँ ज़्यादा ठंडी है। और सबसे कोने में आता है यहाँ पर ऐसा पोल वाला एरिया, यानी इक्वेटर के ये पोल को क्या कहते हैं आप, ध्रुव। यह है भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जब आप जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जबकि यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है बच्चे। तो जब हम ध्रुवों पर सालों भर ठंड रहती है, जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्यताप घटती जाती है और तापमान भी घटता जाता है, ठीक है बच्चे। समुद्र तल से ऊंचाई, जितना है आप ऊपर जाओगे, जितना भी आप ऊपर जाओगे, हवा का दबाव कम होता जाएगा, वायुमंडल की सघनता कम होती है और तापमान भी कम होता है। समझ में आ गई? कितना भी गर्मी का मौसम हो, लेकिन पहाड़ी पर यानी कि जो ऊंची जगहें होती हैं, जो जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा होती है, वहाँ पर तापमान हमेशा
कम रहता है समुद्र तट से दूरी। समुद्री हवाएं मौसम को बहुत अफेक्ट करती हैं। आपको पता है मुंबई जैसे शहर या समुद्री इलाकों के नज़दीक जो शहर होते हैं, ना तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर दो तरह की हवाएं चलती हैं। समुद्री हवाएं जो समुद्र तट के तापमान, समुद्री हवाएं चलती हैं जब समुद्र के तापमान को और ज़मीन के तापमान को लगभग एक जैसा ही रखती हैं। ठीक है बच्चे। वायु दाब और पवन तंत्र, ये पूरी पृथ्वी पर अलग अलग तरह के वायु दाब क्षेत्र और पवन तंत्र बने हुए हैं। कई बार कौन सी हवाएं कहाँ से चलती हैं इस तरीके से आप पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो ऐसे ट्रेड विंड्स चलती हैं, व्यापारिक हवाएं, तो ये जो धाराएं और वायु पवन तंत्र हैं अलग अलग हैं पूरी धरती पर फैले हुई, और इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन से हवाओं के जोन में या कौन से पवन तंत्र में आपका देश या आपका इलाका आता है, उससे आपका मौसम अफेक्ट होता है। उसके बाद महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं अगर आपके आसपास समंदर है और समंदर में अगर गर्म धाराएं हैं तो आपका आसपास का मौसम गर्म हो जाएगा, अगर ठंडी धाराएं हैं तो आसपास का मौसम ठंडा हो जाएगा। उसके बाद उच्चा चच्व तो मतलब आपका उच्चा वच ये होता है कि आपका वहाँ पर फिज़िकल फीचर्स कैसे हैं। आप पहाड़ पर रहते हैं, आप मैदानी इलाकों में रहते हैं, आप पठार पर रहते हैं, तो देखिए जहाँ भी आपके आसपास पहाड़ होंगे तो वहाँ पर आकर बादल टकराएंगे और बारिश ज़रूर होगी। पहाड़ों के आसपास अच्छा मौसम ही होता है। पहाड़ों के आसपास अगर पहाड़ ही नहीं होंगे तो जलवाष्प लेकर जो बादल जा रहे होंगे तो वो सीधे निकल जाएंगे, किसी से टकरा कर आपके यहाँ बारिश नहीं होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कहती है जलवायु से आप क्या समझते हैं, जलवायु के मुख्य कौन कौन से तत्व होते हैं। जलवायु के तत्व तो बेटा ये सारे हैं, ये तो जलवायु के तत्व हैं। ठीक है, और जलवायु किसे कहते हैं यहाँ पर लिखा है, ये पूरा लिखेंगे आप, पांच चारों पॉइंट लिखेंगे बिल्कुल क्लियरली। 1, 2, 3 और यहाँ पर एक और है 4। ठीक है बच्चे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर क्यों होता है। केरल और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि अक्षांश, पहला कारण है अक्षांश। केरला यहाँ पर इक्वेटर के आसपास है, इक्वेटर ये जो भारत का ये वाला नीचे वाला हिस्सा है ये भूमध्य रेखा के पास आता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर है इसलिए होता है। दूसरा, पहला तो आप ये कारण लिखेंगे, दूसरा कारण लिखेंगे समुद्र तट से दूरी। जो केरला है वो समुद्र तट के आसपास बसा हुआ प्रदेश है। ठीक है बच्चे, अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांश ये लिखा है बच्चे, अक्षांश कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, भारत और कनाडा दिखाइए, ये कहा गया है ना, भारत और कनाडा की अवस्थिति देखकर बताइए। अभी बताती हूँ बेटा, भारत और कनाडा की स्थिति दिखा देती हूँ। जुलाई और अगस्त के महीने में दिल्ली के तापमान अधिकतम न्यूनतम और औसत की गणना का एक चार्ट बनाइए। आपको खुद बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप क्या करिए, गूगल खोलिए, गूगल पे आपको पिछले एक हफ्ते के न्यूज़पेपर, एक महीने का तापमान, सब जगह सब चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपके घर में फ़ोन से नहीं देखना चाहते, फ़ोन से आपको नहीं आ रहा, तो आप एक महीने का अखबार उठाइए। हमेशा जब भी अखबार छपता है उसके फर्स्ट पेज पर ये छापा जाता है कि आज कितना तापमान होगा, कितनी बारिश होगी, क्या मिनिमम मैक्सिमम सब टेम्परेचर उसमें लिखा होता है। एक बार मैं इंडिया और कनाडा आपको दिखा देती हूँ अक्षांश में क्या फ़र्क है, फिर उसके बाद हम वर्कशीट को वाइंड अप करते हैं। एक सेकंड दीजिए बच्चे, ये देखिए बच्चा, इंडिया और कनाडा 15 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट है। यहाँ पर जो भारत का ये नीचे वाला हिस्सा है आप देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये देखिए इक्वेटर के कितना नज़दीक है, जो डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है आपको, ये इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है। ये है भारत, भारत में थोड़ी गर्मी है, और ये देखिए कनाडा ऊपर की तरफ चला जाता है, इक्वेटर से बहुत दूर है, भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती है। आपको दिख रहा होगा मैप, और ये आपको इक्वेटर भी दिख रही होगी, डॉट डॉट वाली लाइन जो है ये इक्वेटर है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई, कोई डाउट हो तो पूछिएगा बच्चों। बाय बाय।